नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार 70 न्यूज। खबर है यूपी से मिर्जापुर की। मिर्जापुर में 96 ब्लॉक के एक ऐसे ग्राम सभा जो बहुमतीय चलचौरा के नाम से जाना जाता है, वहां की प्रधान पार्वती देवी पत्नी राजेंद्र प्रसाद ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सारे कार्य कराए जाते हैं। जहाँ प्रधान द्वारा आवास बनवाने के नाम पर गरीब व्यक्तियों की बारी बारी से बड़े पैमाने पर 20,000, किसी से 10,000, किसी से 5,000 लिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आवास माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी के द्वारा निःशुल्क गरीब व्यक्तियों को दिया जाता है, उस आवास के लिए प्रधान द्वारा पैसे लेने के बाद भी आवास नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं ऐसे पुरुष व महिलाओं से जो रोजाना कार्य करके जीवोपार्जन करते हैं, उन व्यक्तियों से आवास के नाम पर पैसा लिया गया है। साथ ही साथ ग्राम सभा के व्यक्तियों से रूबरू होने के बाद पता चला कि जहां पर कुछ दिन पहले कोटेदार का प्रकरण चल रहा था, जिसमें गुप्त तरीके से कोटेदार का चयन कर लिया गया, जबकि कोटेदार का चयन करते समय सारी प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसमें खुली बैठक और ग्राम सभा के व्यक्तियों की सहमति मुख्य रूप से होती है, लेकिन यहां के आधे से ज्यादा ग्राम सभा के व्यक्तियों द्वारा यह बात कही गई कि यहाँ पर कोटेदार का गलत व गुप्त तरीके से चयन किया गया है। शासन से गरीब जनता द्वारा निवेदन किया गया है कि यहाँ पर कोटेदार का चयन फिर से किया जाए। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, राजकुमार तिवारी के साथ सतीश पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, अब अखिलेश तिवारी स्टार 7 टीवी न्यूज से। आज मिर्जापुर के 96 क्षेत्र में उपस्थित हैं, जो कि बहुत ही चौरा ग्राम सभा लगाता है, और एक अहम मुद्दा लेके आज उपस्थित हुए हैं आपके बीच में। माननीय योगी जी, मोदी जी द्वारा जो भी स्कीम चाहे कार्यक्रम चलाए गए हैं गरीब तबके के व्यक्तियों को रोजगार के विषय में, कि जो है वो कुछ काम करें, उसके बदले में उनको पैसा दिया जाए, वो अपना जीवन यापन कर पाए, इस उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए। तो एक अहम मुद्दा हमारे सामने आया कोटेदारी का। यहाँ पर पहले कोटेदार जो है सस्पेंड कर दिए जाते हैं, इसके बाद चोरी से उसको बहाल कर दिया जाता है, माने दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है, पता नहीं चलता कि कब कैसे हो गया। एक बार कोटे को बहाल किया गया, इसके बाद वहीं पर फिर से चोरी से उसको जो है दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है, जबकि नियमानुसार जो भी सरकार के यहाँ से, शासन के यहाँ से जो भी कार्यक्रम बनाए गए हैं कि उसको सबके सामने खोला जाए, सबकी सिग्नेचर कराई जाए, इसके बाद जो है कोटे को आगे बढ़ाई जाए। लेकिन आइए हम यहाँ के व्यक्तियों से जानकारी लेते हैं कि कोटे के विषय में इनका क्या कहना है और मुद्दा क्या है। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार गौतम सर। ये कोटेदार माने पहले कौन थे, इसके बाद कौन थे, बताइए। पहले विजय कुमार गौतम थे, उसके बाद में उनके पिता का देहांत हो गया, उसने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद साल भर कोटा ऐसे पड़ा रहा, अटैच था जी। उसके बाद सर काफी चोरी चोरा प्रधान के द्वारा मनमानी 40,000-30,000 लेके के जो जिसको चुनना चाहते उनसे पैसे लिए जी। उसके लिए सर मैंने लड़ाई बहुत लड़ा, डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ और रसद खान मंत्री के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया जी। लेकिन कुछ क्षण के लिए 4 महीने के लिए रुका था सर, लॉकडाउन के चलते मैंने इसके विषय में कुछ नहीं बोला। उसी पीडीएट में इन्होंने पैसा 80,000 या चाहे जितना दिए हो सर, हम नहीं जानकारी बता सकते, लेकिन पैसा लेकर के फिर उसको चयन किया गया। चयन के समय में आप लोग सब उपस्थित रहे थे? नहीं, कोई जनता नहीं जानता है। आप सुन सकते हैं एक आवाज में यहाँ की सारी जनता बोल रही है कि कोटेदारी के चयन में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति यहाँ पर शामिल नहीं था। आप देख सकते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, यहाँ पर एक भी व्यक्ति कोटेदार का चयन करते समय नहीं था। चोरी से कोटा को जो है बहाल कर दिया गया, किसी को दे दिया गया। प्रधान के नाम किसको दिए है? प्रधान आसू लेकर मिल गया। प्रधान का क्या नाम है? सबलू। इनका कहना यह है कि प्रधान इनसे 5,000 रूपया कितने दिन पहले लिया था? अरे 3 महीना हुई है, 4। अच्छा, 4 महीने से इनसे 5,000 लिया गया है आवास देने के लिए। साथियों बनवाए कुछ के हैं, हमारे यहाँ हमारे 10,000 दिएगा। कितना पैसा इनका? देखिए ये गरीब महिला है, ये काम काजू आदमी है, और इनसे जो है 10,000 रूपये ले लिया गया है आवास देने के लिए। आपका नाम क्या है? आपने पैसा दिया है? कितना दिया है? ये भी 5,000 रूपये दिए हैं। देखिए इनको, देखिए एकदम गरीब
औरतें हैं ये काम करके आ रही हैं, इनके हाथ में जो है तसला भी है, ये 5,000 रुपए प्रधान को आवास के लिए दिए हैं। आपका नाम क्या है? नानक। कितने दिन से पैसा दिए हैं? 3 साल। कितना दिए हैं? 5,000। प्रधान का क्या कहना था, 5,000 में क्या क्या आपको देंगे? वो कहे कहा देंगे आवास देने के लिए। आपने पैसा दिया प्रधान को? 5,000 बच्चा लेकर। आप देख सकते हैं इनसे भी 5,000 रुपया लिया गया। मिर्जापुर के छानवे क्षेत्र के बहुती में चकचौरा में उपस्थित है, सबसे पैसा लेकर ही आवाज दिया जा रहा है, वो भी हवा में दिया जा रहा है इनसे। ₹5 ये ब्याज पर पैसा लेके 5,000 रुपए आवास के लिए दिए हैं। आज तक इनको कुछ नहीं मिला है, देख सकते हैं तसला लेके खड़ी हुई है, काम करके आ रहे हैं। बच्चा आपका नाम क्या है? कुमार। आपने पैसा दिया है प्रधान को? 5,000 दे है सबन प्रधान। कितने दिन हो गए? साल भर हुआ। ये देखिए ये साल भर से ये जो है 5,000 रुपए आवाज के लिए दिए हैं। हमारे बाल बच्चे भी नहीं है, हमारी मराई भी है, हमारे गांव में देख सकते हैं गरीब औरत है, ये जो है काम करके आ रही है और इनसे 5,000 रुपए प्रधान ने लिया है आवास देने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर आवास बांटा जा रहा है पैसा लेकर। आपका नाम क्या है? आप कितना पैसा दिए? आप 2,000 रुपए दिए। कितने दिन से? 1 महीना हो गया। अब देखिए ये महोदय 2,000 विकलांग भी हैं, 2,000 रुपए जो है आवास के लिए दिए हैं यहाँ पर। और मांगा जा रहा है? कितना मांगा जा रहा है? अभी 8,000 रुपए। आप सुन सकते हैं कि इनसे भी अभी इनका पूरा पैसा नहीं हुआ है, इसलिए इनको आवास नहीं मिला है और सबको हवा में आवास दिया गया है। आपका नाम क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं प्रधान के सर? वो प्रधान के 3,000 रुपया का नाम कर्जा काट के दिए है, 3 साल हो गया कागज के लिए। अब और कितना मांगा? लड़का है ना हमारे कान बहुत और मांगा है। कितना मांगा? 5,000। आप देख सकते हैं ये भी जो है तकला लिए हुए हैं, काम करके आ रही हैं। इनका कहना ये है कि प्रधान को पैसा दिए हैं, बाकी पैसा भी अभी बचा हुआ है और हवा में आवास मिल रहा है, यहाँ पर पैसे लेके हवा में आवास दिया जा रहा है। आपका नाम क्या है? नीरज प्रजापति। आपका क्या कहना है प्रधान के सर? कॉलोनी 5,000 रुपए साल हो गया कॉलोनी।